नमस्कार, मैं हूँ सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। कोरोना रोधी वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन शुरू है। पिछले 3 दिनों से छुट्टियां थी, इसलिए लोकल ट्रेन में भीड़ कम दिखाई दे रही थी। आज सारे कार्यालय शुरू हो गए हैं, इसलिए पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज लोकल में भीड़ भी बढ़ी है। वैक्सीन ले चुके लोगों के लिए लोकल शुरू करने के बाद भी अगर ट्रेनों में भीड़ नियंत्रण में रहती है तो अगले चरण में वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों के लिए भी मुंबई लोकल सेवा शुरू करने का विचार है। वैक्सीन सर्टिफिकेट की जाँच और फोटो आईडी देकर मंथली पास दिए जा रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता में उतार चढ़ाव की वजह से वैक्सीन की रफ्तार में भी तेजी और कमी होती रहती है। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा के लिए अनुमति दी गई है। इससे वैक्सीन के एक डोज ले चुके 18 से 44 साल के युवा अब भी मुंबई लोकल में यात्रा के अवसर से दूर है। अगर अगले 7 दिनों में मुंबई लोकल में भीड़ नियंत्रण में दिखाई दी तो एक डोज लेने वाले लोगों के लिए भी मुंबई लोकल शुरू करने का विचार किया जा रहा है, ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। मध्य रेलवे के कुछ स्टेशनों पर भी यात्रियों की संख्या में कमी और वृद्धि पिछले हफ्ते होती रहती है, इसलिए मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है यह आज ही पता चल पाएगा। शुक्रवार को मध्य रेलवे में करीब 20 से 22 लाख यात्रियों ने सफर किया था, यानी आम यात्रियों के लिए लोकल शुरू होने से पहले औसतन पश्चिम रेलवे में 12,43,000 यात्री एवं मध्य रेलवे में 20 से 22 लाख यात्री रोजाना सफर कर रहे थे। मंगलवार को जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने यात्रियों की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही यात्रियों की बढ़ोतरी के बाद भी भीड़ अगर नियंत्रण दिखाई दे तो वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों को भी मुंबई लोकल में यात्रा की छूट दी जा सकती है। इसी बीच प्रशासन ने एक निर्णय से छोटे व्यापारियों को काफी राहत मिली है। माल डिब्बों में सामान के परिवहन की अनुमति दिए जाने से माल की ढुलाई अब सस्ती हो गई है। लॉकडाउन कॉल में टेम्पो से माल ढुलाई की वजह से खर्च बहुत बढ़ गया था, अब इस खर्च में कमी आई है। इससे उल्हासनगर, बदलापुर, कल्याण जैसी जगहों के व्यापारी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।